अपने भाई से ऐसे बात करनी पड़ रही है हमें? कितना बुरा लग रहा होगा उसे। देखिए, आप खुद को दोष ना ही दीजिए। अपनों की भलाई के लिए कभी कभी उनके साथ गलत करना पड़ जाता है, पर अब समय आ गया है अपने प्लान को अंजाम देने का। तारा के माँ बाप आते होंगे ना? चलो जल्दी चलो। चलिए। देख रहा है अपने भाई का असली चेहरा? जलता है तो उससे शंभू। देख कैसे मुंह फेर के बैठे हैं ये फंक्शन से शंभू और महुआ। चल क्या रहा इन दोनों के दिमाग में? शंभू जी राधे के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? कुछ तो बात है। ये महुआ जरूर कोनो नया खेल रच रही है। अरे प्रणाम, आप लोग आ गए। प्रणाम। तारा के माँ बाप, तारा के माँ बाप आ गए। हाँ, कब से हम लोग आपका वेट कर रहे थे। अब कुछ ठंडा लाओ इनके लिए। हाँ, अब भाई लाते हैं। अब रुकिए, सबसे मिल लीजिए ना। अरे मिल के क्या करेंगे, ठंडा पीजिए ना। अरे नहीं, मिलना मिलाना तो मिलना चाहिए। अरे पीजिए ना। ये जूस तो पी ली, अब इन्हें अपने होश का ठिकाना नहीं। अरे अगले जन्म में आएंगे का तेरे माँ बाप? कहाँ रह गए, कितना बकत हो गया देख। अरे कब फारन आरन से आ रहे हैं तुम्हारे माँ बाप? हाँ बिटिया, हम आ गए। जल्दी अंदर आओ, वक्त हो गया आपका इंतजार है। कम से कम आ तो गई नकली माँ बाप, वरना आज तो अम्मा जी ने हमें ऊपर ही पहुंचा देना था। अरे प्रणाम 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 प्रणाम। अरे तारा बिटिया, कितनी सोनी लग रही है। प्रणाम प्रणाम। अरे छात्रों की हवेली है। प्रणाम। अरे हमारी बिटिया, अरे हमारी लाडो, कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, नजर ना लग जाए। उगुका है ना, लड़की के माँ बाप है हम तो, ब्याह में तैयारी भी तो करना होता है, इसीलिए तनिक समय लग गया। अरे हमारी बिटिया, अरे आप खड़े खड़े मुंह का देखना, अम्मा जी का आशीर्वाद लेते हैं। अरे देवी के दर्शन हो गए, देवी माँ के दर्शन हो गए। अम्मा जी हमारे तो भाग्य खुल गए। अम्मा जी धन्य हो गए। आशीर्वाद दीजिए अम्मा जी, आशीर्वाद दीजिए। बस बस बस, आपको देखकर बहुत खुशी हुई, पर थोड़ा बखत लग गया आने में। वो कोई बात नहीं, मिलिए मिलिए अपने समधी से मिलिए। अरे समधन जी। अरे समधन जी, इतनी दूर काहे खड़ी है, आइए गले मिलिए। समधन जी गले मिलिए। अरे का फिट है, का पता आपकी जवानी हमको भी चढ़ जाए। अब तारा की मम्मी को देखिए कैसी लगती है, और आप इस उम्र में। अरे बहुत है कमाल दिखती है, बहुत है खूबसूरत है, लगता ही ना है कि हमरे हमरे दामाद जी की माँ है आप। वाह वाह वाह, इतनी खूबसूरती भगवान। थैंक यू थैंक यू। अरे अरे तारा की मम्मी समधी जी। अरे बड़े ठाकुर, आपसे मिलके ना हमारी हमारी आत्मा को तृप्ति मिल गई। जानती हो पूरे गांव में भोकाल है इनका। हाँ। पूरा दबदबा मचा के रखते हैं भाई। मन तो करता है आपकी टांगे तोड़ टांगे दबा दे, टांगे दबाते हैं आपके पांव में गिरना चाहते हैं। अरे शर्माइए मत, दबाने दीजिए, दबाने दीजिए, तोड़ दे दीजिए। ठीक है, आइए गले। अरे अरे इतनी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं पकड़े ना जाए। अरे हमारी बिटिया, हमारी बिटिया ब्याहने वाली है, हमरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे। अरे हमारी बिटिया सुंदर लग रही है ना। चलिए ये अच्छा है कि महुआ और बूंदी के माँ बाप के जैसे नहीं है, हमका तो बहुत है पसंद आए।
इतनी देर से बस बैठे ही हैं अकेले, हिले भी नहीं। न जाने कहाँ कान भरी होगी हमारे शंभू जी के ही महुआ। अभी जाकर अलग करते हैं दोनों को। अरे खुशी तो हमें भी। अरे दमाद जी, अरे क्या चौचक दमाद जी पाए हमारे तारा बिटिया ने। एकदम चूमनी शक्ल है। अरे मन तो करता है आपकी आज ना। अरे कद काठी भी देखिए कितना बढ़िया है। कद थोड़ा छोटा है, अगर अपनी माँ पे गए होते। नहीं, बहुत है कद काठी बहुत बढ़िया है। एकदम चुन के ना हीरा लड़का पट्टाई। अब हसाई, अब हमरा मतलब पापा पसंद की है हमारी गुड़िया। हाँ, पसंद की है। हे भगवान, जरूरत से ज्यादा काहे बोल रहे हैं ये दोनों। किसी ने पकड़ लिया तो हमारा भांडा फूट जाएगा। चलिए चलिए, बातचीत बहुत हो गई, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है ना, हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। चलिए ये करते हैं। अरे बस बस, अरे आप हटिए पीछे। आप दोनों से मिलकर ना बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों के प्यार को देखकर ना बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा रिश्ता भी ना आप ही की तरह रहे। बुढ़ापे में एकदम जवान लगते हैं। और एक हमारा परिवार जो अपना होकर भी पर ऐसा लगता है। अच्छा ये सब छोड़िए, हम क्या चाहते हैं ना कि हल्दी का कार्यक्रम आप एक दूसरे को हल्दी लगा कर करें। अरे नहीं नहीं दामाद जी, हम इस उम्र में कहाँ एक दूसरे को ये देखे मार सके। अरे काहे, अरे इससे अच्छा शगुन तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना अम्मा। पता नहीं कौन सा रिवाज चला रहा है तू भाई। अम्मा जी शुरू करें। करो करो, बहुत टाइम हो गया पहले। अब आपकी माँ कह रही है तो हम मना कैसे कर सकते हैं। क्यों आई आई तुम सुधरोगे नहीं ना महुआ, जब देखो हमारे शंभू जी से चिपकने लग जाती हो। दूर हटो उनसे, हमने कहा दूर हटो, भैरी हो गई हो का। एक काम कीजिए, आप ही हट जाइए ना, अगर वो नहीं हट रही है। अब चलिए हमरे साथ बाहर आइए। चलिए शंभू जी, चलिए हमरे साथ शंभू जी। अरे सोच कर रहे हैं, हल्दी लगाइए। अभी रुकिए। हरी विड़ा में
इमाउआ ने तो अपने खेल में हमारे पति को भी शामिल कर दिया, इसे छोड़ेंगे नहीं हम। हम सबको इसका सच बताते हैं। अगर हमने अम्मा जी को शंभू जी और महुआ के नए नाटक के बारे में बता दिया तो तारा की पोल खुल जाएगी और राधे को तारा पर शक होने लगेगा और वो महुआ और शंभू जी की दूरी खत्म हो जाएगी। नहीं, हम ही नहीं होने देंगे। छोटे साहब, अब समय आ गया है तारा का सच बाहर लाने का। हम कुछ करते हैं। हाँ, नहीं रुको, जल्दी। अरे अरे रुको रुको रुको। अरे वो कहा है ना, हमें आपसे भी बहुत ही जरूरी बात करनी है, रुकिए। अरे ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है समधी जी, कि ढोल नगाड़ा बंद करवा दिए यार। अरे समधी जी, हम जानते हैं आप और आपकी आपकी वो कहा है ना, हमें आपसे बहुत ही जरूरी कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बताना है आप सबको। बताइए। वो कहा है ना, हम और हमारी मिसेज और इतारा जो है ना, वो तारा बिटिया, ये तारा के नकली माँ बाप यहां कैसे आ गए? हमने तो इन्हें जूस पिला के बेहोश किया था। हाय हमारी बच्ची तारा। दो दो माँ, दो दो बाप, ये कहां से आ गए? कैसी हमारी बिटिया? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है? ये तारा के असली माँ बाप है। तो फिर वो कौन है? अरे इन बेचारों को किसी ने हवेली के पीछे बेहोश करके रख दिया था। हमें शंभू और महुआ ने बांध के रखा था बिटिया। तो फिर वो कौन है? अरे बड़ी बदतमीज नौकरानी है आपकी। अरे हम आपकी पत्नी है। शंभू, शंभू, परी है महुआ। महुआ, और ये लोग उन्हें बेहोश करके या नकली माँ बाप बनकर आ गए ताकि ये साबित कर सके कि तारा गलत और झूठी है। हाँ सही कहा, ये झूठी भी है और गलत भी। परी, इनके माँ बाप भी ना असली नहीं है, नकली है। अरे महुआ बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे आने पे तारा ने कुछ सवाल नहीं किया। इसका मतलब वो जानती थी कि दरवाजे से जो भी आ रहे हैं वो उसके नकली माँ बाप ही है। अरे इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए तुझे? तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला है, जान ले लेगी अब तेरी। अम्मा जी, अम्मा जी। अरे अम्मा जी, वैसे भी इसे ना दुल्हन ने पूरा समय घूंघट ले रखा था ना, पूरे समय तो नीचे देख रही थी, तो इसे कैसे पता चलता कि कौन आया और कौन नहीं आया? और वैसे भी क्या किसी ने इसे देखा इसके माँ बाप से बात करते हुए या माँ बाप बोलते हुए? नहीं ना मजी, सीधी सी बात है, इसके माँ बाप ने इसे बेच दिया और गुस्से में ही उनसे नजरें नहीं मिला रही।
अम्मा जी आप समझिए ना बात को, तारा गलत नहीं है, वो बेचारी तो घूंघट में थी। ये बूंदी हमें काहे बचा रही है, समझिए। अच्छा, और आप वकील हैं इसकी? अम्मा जी सब झूठ है। अरे झूठी तो तू है, अपने साथ साथ तूने शंभू को भी पूरे परिवार के सामने झूठा बना दिया। ये दोनों मियां बीवी मिलके ना हमारे बेटे राधे की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं बस। अब बोलिए भाई साहब, अपने बेटे की इस करतूत के लिए क्या बोलेंगे उसको? अरे झूठ हम नहीं बोल रहे, झूठ ये तारा बोल रही है। जो कह रहे हैं राधे के भलाई के लिए कह रहे हैं। बस भैया बस कीजिए आप, वरना हमारे हाथों से नाच कुछ गलत हो जाएगा। राधे क्या कर रहा है तू? भाई साहब आप अपनी हद में रहिए। अरे छोटा है और शंभू पर हाथ उठा रहा हूँ। वो भी तो छोटा है आपसे, आप काहे इसको कुछ बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे हम उसको, बताएंगे हम। हाँ तो हम यहाँ ऐसे ही खड़े हैं, आपको ऐसे ही बोलने देंगे? वो क्या क्या आप लोगों को आपस में ही लड़े जा रहे हैं? अरे शंभू राधे का बड़ा भाई है। अरे रहने दीजिए जीजी, कभी बड़े भाई का फर्ज निभाया है क्या शंभू ने? बात करती हैं आप तो बस बहुत हो गया भैया। राधे जी क्या कर रहे हैं आप? जिस बड़े भाई ने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज आप उसी का गिरेबान पकड़ लिए। अरे उसी बड़े भाई ने मुझे धोखा भी तो दिया है। और उसी बड़े भाई ने ना मेरे दिल पे चोट पहुंचाई है भाभी। आप ये मैटर में ना पड़ी, काहे कि ये बात ना अब हमने बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। हमारा विश्वास कर ले राधे, बस एक बार विश्वास कर ले, एक बार पता कर ले दे कि आखिर ये दोनों है कौन, तारा के माँ बाप है कि नहीं, गांव में एक बार पता कर ले सारी बात साफ। अब कोई तहकीकात नहीं होगी। आप ना हमारे मैटर में ना पड़े तो बहुत अच्छा है। पगला गया एकदम लड़का। राधे जी पर बात सिर्फ आपकी नहीं, ये पूरे परिवार की है। जब तक ये परिवार पूरा एक है तब तक शंभू जी की ही बात मानी जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए हम ही परिवार को कबो नहीं टूटने देंगे। जितना कोशिश करना है कर लो महुआ, तुम्हारे शंभू का चिता तो हम जला के ही रहेंगे। कल तो सिर्फ एक लकीर पूछी थी, आज ही परिवार दो हिस्सों में पूरी तरीके से बन जाएगा। पगला गया राधे क्या कर रहा है? लो अब नहीं रहा एक परिवार। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है फिर दादी, हम ई हवेली छोड़कर चले जाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, ये घर जितना हमारा है उतना राधे का भी था। तो ठीक है, आज के बाद ना हम ई रेखा लांघकर ऊपर आएंगे और ना ही आप। तो तू भी कान खोल के सुन ले, जब तक हम जिंदा हैं ये घर में ऐसा कुछ नहीं होगा।
चाहे कुछ भी हो जाए, हम ही परिवार को कबो ना ही टूटने देंगे। जितना कोशिश करना है कर लो महुआ, तुम्हारे शंभू का चिता तो हम जला के ही रहेंगे। कल तो सिर्फ एक लकीर पूछी थी, आज ही परिवार दो हिस्सों में पूरी तरीके से बन जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं, ये घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा सोचा था उससे भी बढ़िया काम हो गया। ये तो घर के बीचों बीच लकीर खिंचवा दी, अब बहुत जल्द पूरी की पूरी दीवार खड़ी करवा देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ही परिवार को कबो ना ही टूटने देंगे। जितना कोशिश करना है कर लो महुआ, तुम्हारे शंभू का चिता तो हम जला के ही रहेंगे। कल तो सिर्फ एक लकीर पूछी थी, आज ही परिवार दो हिस्सों में पूरी तरीके से बन जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ही परिवार को कबो ना ही टूटने देंगे। जितना कोशिश करना है कर लो महुआ, तुम्हारे शंभू का चिता तो हम जला के ही रहेंगे। कल तो सिर्फ एक लकीर पूछी थी, आज ही परिवार दो हिस्सों में पूरी तरीके से बन जाएगा।